नमस्कार, मैं हूँ रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं मृदुभाषी की खास पेशकश नेशनल बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे देश समाज से जुड़ी आज की वह तमाम बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का रिविजन। राहुल गांधी अपनी संसद सदस्यता भंग किए जाने के बाद बुधवार को पहली बार संसद पहुंचे। वे यहां कांग्रेस सांसदों की बैठक में शामिल होने आए थे। यहां आधा घंटा रुकने के बाद वे मां सोनिया गांधी के साथ गाड़ी में बैठकर निकल गए। राहुल की संसद सदस्यता 24 मार्च को रद्द कर दी गई थी। वे केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद थे। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव 10 मई को होंगे, नतीजे 13 मई को आएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बुधवार को कहा कि वोटिंग एक चरण में कराई जाएगी। कर्नाटक में 5,21,00,000 मतदाता है जो 224 विधानसभा सीटों पर मतदान करेंगे। राजीव कुमार ने कहा कि जो लोग 1 अप्रैल को 18 साल के होंगे वो भी वोट डाल सकेंगे, इसके लिए हमने एडवांस एप्लीकेशन मंगवा ली है। राष्ट्रगान के अपमान से जुड़े केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को राहत देने से मना कर दिया है। हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज शिकायत को रद्द करने से इनकार कर दिया है। बता दें, दिसंबर 2021 में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 2 दिन के मुंबई दौरे पर थी। यह यशवंत राव चौहान ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम में ममता बतौर गेस्ट मौजूद थी। कार्यक्रम में जब राष्ट्रगान बजने लगा तब भी ममता बनर्जी बैठी रही। कुछ सेकंड्स बाद अचानक उठी और 2 लाइन गाने के बाद चुप हो गई और वहां से चली गई थी। लोकसभा ने लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की सदस्यता बहाल कर दी है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से ठीक पहले आया। फैजल ने अपनी सदस्यता की बहाली को लेकर 27 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। लोकसभा सचिवालय ने एक अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि केरल हाई कोर्ट ने 25 जनवरी को मोहम्मद फैजल की सजा पर रोक लगा दी थी, इसलिए लोकसभा उनकी अयोग्यता के फैसले को रद्द करती है और उनकी सदस्यता दोबारा बहाल करती है। हाल ही में नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्स वाइफ आलिया ने कहा कि वो और नवाज जल्द ही अलग हो जाएंगे। आलिया ने बताया कि नवाज ने सेटलमेंट करने का ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने इस बारे में बात नहीं की है। दरअसल एक्स वाइफ आलिया और भाई पर मानहानि का केस लगाने और 100 करोड़ रुपए के हर्जाने की डिमांड करने के बाद नवाजुद्दीन ने आलिया को सेटलमेंट का ऑफर दिया था। हरियाणा के रोहतक की सुनारिया जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा के चीफ राम रहीम के गुरु मंत्र लेने की तिथि को लेकर बहस छिड़ गई है। राम रहीम ने पिछले सप्ताह अपनी 14वीं चिट्ठी में अपने गुरु मंत्र लेने का दिन 25 मार्च 1973 को लिखा है, परंतु डेरा प्रेमियों के एक धड़े ने सोशल मीडिया पर राम रहीम के गुरु मंत्र लेने को लेकर बहस छेड़ दी है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को विधानसभा में कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी की अयोग्यता के बाद कांग्रेस के प्रदर्शनों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कल अगर अदालत मुझे किसी चीज में दोषी ठहराती है तो क्या भाजपा विधायक काले कपड़े पहनेंगे और प्रदर्शन करेंगे? नहीं, हम उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सत्र न्यायालय जाएंगे, लेकिन हम न्यायपालिका की अवहेलना नहीं करेंगे। यह प्रवृत्ति भारतीय लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच को लेकर नेताओं को नसीहत दी है। कोर्ट ने बुधवार को हेट स्पीच देने वालों को पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी की मिसाल दी। कोर्ट ने कहा कि वाजपेयी और नेहरू को याद कीजिए जिन्हें सुनने के लिए लोग दूर दराज से इकट्ठा होते थे। जस्टिस के एम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की बेंच ने कहा, दूसरों को बदनाम करने के लिए हर रोज टीवी और सार्वजनिक मंचों पर भाषण दिए जा रहे हैं, ऐसे लोग खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते। जिस दिन राजनीति और धर्म अलग हो जाएंगे, नेता राजनीति में धर्म का उपयोग करना बंद कर देंगे, उसी दिन नफरत फैलाने वाले भाषण भी बंद हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को दूसरे लोकतंत्र शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत वास्तव में लोकतंत्र की जननी है। लोकतंत्र सिर्फ एक ढांचा नहीं है, यह एक आत्मा भी है। यह इस विश्वास पर आधारित है कि हर इंसान की जरूरतें और आकांक्षाएं समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। भारत में हमारा मार्गदर्शक दर्शन सबका साथ सबका विकास है, जिसका अर्थ है समावेशी विकास के लिए एक साथ काम करना।
पुणे सांसद गिरीश बापट का बुधवार को निधन हो गया। भाजपा नेता बापट को पुणे के दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांसें ली। बापट 2019 में पहली बार पुणे से सांसद चुने गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बापट को याद करते हुए अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि उनका जाना दुखदायी है, वे कई लोगों के लिए प्रेरणादायी हैं। ओम शांति। अभी के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे दिन भर की हुई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मृदुभाषी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।